पिंगला ने देवर को कही तो विक्रमा नहीं मानता है। और विक्रमा अपने भाई भरतरी के पास जाता है, कहते हैं कि भाभी आप तेरी सारी सच्चाई बताऊंगा। उधर पिंगला ने सोचा कि अगर ये राजा भरतरी को मेरी सच्चाई बता देगा तो राजा मुझे महलों से बाहर निकाल देगा। उधर पिंगला ने दूसरा त्रिया जाल फैला दिया। परमिश्रोता एक लाला जी के पास पहुंच गई और न्यू कहने लगी लाला जी से कि लाला जी राजा की अर्जी घेर दे, मेरे घर में विक्रम बढ़िया जाके टेर दे। कहते कि तेरा जो छोटा भाई विक्रमा है मेरे बेटे की बहू पे गंदी नजर रखता है। इतनी बात पिंगला ने उस लाला जी को कही। लाला जी दरबार में पहुंच गया, दूसरी तरफ से विक्रमा भी दरबार में पहुंच गया। और जब लाला जी ने विक्रमा पे इल्जाम लगा दिया तो भरतरी अपने छोटे भाई को जल्लादों के हाथों सौंप देते हैं और कहते हैं कि ले जाओ इसको मेरी नजरों से सामने। अरे मैंने इस पे अपना छोटा भाई नहीं बल्कि इसको अपना बेटा मानकर पालन पोषण किया, लेकिन आज इसने इतनी गंदी हरकत की, मुझे इस दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। विक्रमा को फांसी का हुक्म सुना दिया। प्रेमी श्रोताओं, विक्रमा यूं कहने लगा अपने भाई भरतरी को कि तू आज मुझे मरवा रहा है, तू मुझे मरवा रहा है, एक औरत के चक्कर में मरवा रहा है। अरे मैं तो मारा जाऊंगा लेकिन तू उस दिन पछताएगा जब इस पिंगला का त्रिया चरित्र तेरे सामने आएगा कि ये पिंगला किस तरह की औरत है किस तरह की नहीं। आज ये मुझे मरवा रही है, कल को ये तुझे भी मरवाएगी, क्या समझाता है। इस विक्रम भाई का और सुन दुनिया में देखो देगा तने बहम लुगाई का। राजेंद्र जी फिर से 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इधर से दादाजी ने 50 रुपए का पुरस्कार दिया, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। क्या समझा लग गया पहली लाइनों में? तेरी चंगला रानी
लाइनों में पंडित मांगेराम जी ने रागनी का तोड़ किया। कहते हैं कि किस्सा भी वही होते हैं, रागनी भी ज्यादातर पुरानी होती है, बस कलाकार बदल जाते हैं। कलाकार का, हर किसी कलाकार का ढंग और लहजा गाने का अलग होता है। अगर थोड़ा सा भी ढंग लहजा मेरा अच्छा लग रहा है तो एक बार ताली बजा के बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम लाइनों में पंडित मांगेराम जी ने क्या बताया, क्या तोड़ के रागनी का।